लूका का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 9 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हो। मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दसवां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है उन लोगों के लिए जो खुद को धर्मी समझते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। ऐसे सबों के लिए उसने दृष्टांत कहा है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी ने मंदिर में जाकर खड़े होकर यो प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ और न ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूँ। मेरी सारी कमाई का मैं दसवां अंश भी देता हूँ। ये प्रार्थना चल रही थी फरीसी की। वो परमेश्वर के साथ इस तरीके से बातें कर रहा था और वे चुंगी लेने वाला मंदिर में दूर खड़ा था। वो नज़दीक आना भी नहीं चाहा, अपनी आंखें उठाकर ऊपर स्वर्ग की ओर देखना भी उसने नहीं चाहा, बल्कि वो अपनी छाती पीट पीट कर ये प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और यीशु कहता है वह दूसरा नहीं पर यही मनुष्य धर्मी ठहर कर अपने घर चला गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये चुंगी लेने वाला मनुष्य जिसने एक वाक्य की प्रार्थना की, रो रो कर छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और कोई मनुष्य नहीं बल्कि यीशु मसीहा, जिसे पापों की क्षमा करने का या नरक में डालने का अधिकार है, वो कहता है यह मनुष्य धर्मी ठहर कर अपने घर चला गया। और जो पहला था फरीसी, वो खुद की नज़र में था ही धर्मी और वो अपने धर्म के सारे काम परमेश्वर के सामने बता रहा था। वो परमेश्वर का धन्यवाद इसीलिए करता है कि वो समझता है मैं एक धर्मी मनुष्य हूँ। ध्यान से समझना, उसे परमेश्वर ने नहीं धर्मी ठहराया है, वो अपनी नज़र में धर्मी बन चुका है और इसीलिए वो धन्यवाद भी कर रहा है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ
कि मैं दूसरे मनुष्यों की तरह अन्याय करने वाला, अन्यायी, अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और वो साथ ही साथ इस चुंगी लेने वाले के साथ भी अपनी तुलना कर रहा है कि नहीं, मैं इस मनुष्य के समान हूँ, क्योंकि चुंगी लेने वाला दुनिया की नज़र में एक पापी, दुष्ट, गलत इंसान है। ये तो पापी मनुष्य है, ये भी मंदिर में खड़ा है पीछे, पर मैं उसके भी समान नहीं हूँ, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं उपवास करता हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ, मैं कितना धर्मी मनुष्य हूँ, कितना भला मनुष्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने इसे धर्मी नहीं ठहराया जो पाप नहीं करता है? ऐसा अपने मुँह से बता रहा है कि मैं अन्याय नहीं करता, अंधेर नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, इस चुंगी लेने वाले के समान किसी को लुटाता नहीं, फंसाता नहीं। मेरा जीवन कितना अच्छा है, मैं उपवास करता हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ। परमेश्वर ने उसे क्यों धर्मी नहीं ठहराया? और जो मनुष्य अपने आप को पापी समझ रहा है और रो रो कर ये प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, उसे परमेश्वर ने क्यों धर्मी ठहराया? यीशु ने खुद आगे वजह दी है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। यह फरीसी परमेश्वर के सामने और दुनिया के सामने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक संत व्यक्ति हूँ, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ। वो अपने आप को ऊंचा उठाने की और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर ने उसको नीचा कर दिया। और जो पापी था और अपने आप को छोटा बना ही रहा था, उसे परमेश्वर ने पापों की क्षमा देकर धर्मी ठहराया और उसको बड़ा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम खुद को क्या समझते हैं और दुनिया हमें क्या समझती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमें क्या समझता है ये महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को क्या समझते हैं और दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, ये जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है और परमेश्वर हमारे बारे में क्या विचार करता है और क्या फैसला लेता है, ये महत्वपूर्ण बात है। दुनिया के लोग और हम सब भी अपनी नज़र में और दुनिया के नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अपने नज़र में और दुनिया के नज़र में। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो किसी की छोटी सी मदद करते हैं और 10 लोगों को बताते हैं, मैंने इसको 500 रुपए दे दिया, उसकी ज़रूरत थी ना, वो संकट में था, इसके लिए मैंने मदद कर दिया। यीशु ने ऐसा कहा है कि जब तुम दान धर्म करोगे, किसी की मदद करोगे, तो तुम्हारा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, तुम्हारे बाएं हाथ को उसका पता तक नहीं लगना चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या यह संभव है कि हमारा दाहिना हाथ क्या कर रहा है ये बाया हाथ नहीं जान सके? ये संभव नहीं है। पर इतने कठिन और कड़क शब्द में प्रभु बता रहा है, इतना हमारा दूसरों का मदद करना या दान करना गुप्त होना चाहिए। दूसरे मनुष्यों की बात छोड़ दो, तुम्हारा एक हाथ क्या कर रहा है ये दूसरे हाथ को पता तक नहीं लगना चाहिए। लोग किसी की मदद करते हैं और 10 लोगों को बता देते हैं, मैंने इसकी मदद की, मैंने इसकी मदद की, मैंने इसकी मदद की। आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियो दिखाई देते हैं जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और डालते हैं और लोग नीचे कमेंट देते हैं कितना भला काम कर रहे हैं। आपके भले कामों का प्रतिफल आपको यही मिल गया। यदि लोग आपको भला बोल रहे हैं तो आपको यही प्रतिफल मिल गया, आगे कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भला कहे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको धर्मी ठहराए, तो आप दुनिया के नज़र में नहीं बल्कि परमेश्वर की नज़र में धर्मी बनने की कोशिश करो। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों के मन में हमेशा यही विचार रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप भी बोले होगे ना कितने बार, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। हम किसकी फिक्र करते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? हम बार बार दुनिया के बारे में सोचते हैं और इसीलिए दुनिया के सामने अपने आप को एक भला, सभ्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति के रूप में अपने आप को पेश करना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि दुनिया क्या बोल रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलता है या परमेश्वर की मेरे बारे में क्या सोच है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आखिर अंत में हिसाब हमें मनुष्यों को नहीं देना है, परमेश्वर को देना है। हमें अंत के न्याय के लिए किसी मनुष्य के सामने या दुनिया के किसी राजा महाराजा के सामने नहीं खड़ा होना है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित और मरे हुए सबों का जो इकलौता न्यायाधीश है, उस यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना है और उसको लेखा देना है, उसको हिसाब देना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उसकी नज़र में अच्छा होना चाहिए, उसकी नज़र में अच्छा होना चाहिए, ये करने से हम परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने आप को फंसा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया कितने सारे लोगों के ऊपर छाप लगाती है, ये भला मनुष्य है, ये भली औरत है। ये छाप हमें दुनिया की ओर से नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि दुनिया आपको कहे कि आप भले व्यक्ति है। ये छाप हमें परमेश्वर की ओर से लगाई जानी चाहिए, ये धर्मी व्यक्ति है, मैंने इसको पापों की क्षमा कर दी है, मैंने इसके पापों को मिटा दिया है, ये मेरे साथ अनंत काल स्वर्ग में रहने जा रहा है, ये मेरा बेटा बन गया है, ये मेरी बेटी बन गई है, मैंने इनको ग्रहण किया है, मैंने इनका स्वीकार कर लिया है। ये छाप परमेश्वर की ओर से लगाई जानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान में रखना, एक बार परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर छाप लगाई गई तो चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ जाए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया है, परमेश्वर ने आपके ऊपर सिक्का लगा दिया है, छाप लगा दिया है, तो चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ जाने दो, वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और वो हर हालत में आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि यदि उसने छाप लगाई है, इसका मतलब उसने आपका स्वीकार कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दूसरा नहीं, ये मनुष्य धर्मी ठहर कर अपने घर चला गया। कितना धन्य और आशीषित वचन उस मनुष्य के लिए प्रभु यीशु ने कहा है, ये धर्मी ठहर कर चला गया। ये धर्मी किसने ठहराया? मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने। वो चुंगी लेने वाला था और सारी दुनिया उसको पापी कहती थी। हम चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में जानते हैं, जिसकी पूरी घटना विस्तार से बाइबल में लिखी गई है कि वह चुंगी लेने वाला था, अमीर मनुष्य था और इतना अमीर होने के बावजूद भी उसके दिल में यीशु को देखने की इच्छा थी। जब यीशु यरीहो से गुजर रहा था, इस मनुष्य के दिल की इच्छा बढ़ गई, मुझे उसको देखना है, वह है कैसा, अंधों की आंखें खोलने वाला, गूंगे को बोलने की शक्ति देने वाला, मरे हो को जिंदा करने वाला, मुक्तिदाता है कैसा, मुझे उसको देखना है। और वो दौड़ कर गया उसे देखने के लिए, पर नहीं देख सका।
क्योंकि वो नाटा था और यीशु के आसपास इतनी भीड़ थी कि उसे यीशु को देखना संभव नहीं था। और इसीलिए ये अमीर मनुष्य छोटे बच्चे के समान दौड़ा। जिस रास्ते से यीशु भीड़ को लेकर आगे बढ़ रहा था, उस रास्ते पे आगे जो गुलर का पेड़ था, उस पेड़ के पास वो दौड़ कर गया और ऊपर जाकर चढ़ के इंतजार कर रहा था, जब प्रभु यहां से गुजरेगा मैं उसको देखूंगा। जक्कई बीमार नहीं था, जक्कई अंधा नहीं था, जक्कई गूंगा नहीं था, ना ही उसकी कोई परेशानी को लेकर वो यीशु के पास आया था। उसके मन में बस तमन्ना थी, मैं उसे देखना चाहता हूं वो है कैसा। प्रभु भीड़ को लेकर आगे बढ़ रहा था और जक्कई पहले ही जाकर गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा था, राह देख रहा था कब भीड़ इस तरफ आ जाएगी और कब मैं उस महान प्रभु को देख पाऊंगा, वो इंतजार कर रहा था। तब तक यीशु वहां भीड़ के साथ पहुंचा और पहुंचने के बाद रुका, क्योंकि वो जानता था कोई तो ऊपर बैठा है मेरे इंतजार में। आप जानते हैं परमेश्वर ऐसे एक भी आत्मा को नहीं भूलता है जो लगन से परमेश्वर को खोजते हैं, जो लगन से परमेश्वर को खोजते हैं, एक को भी वो नहीं भूलता है, एक को भी नहीं। आप मुझे बताइए यीशु के आसपास इतनी भीड़ थी, प्रभु को वहां रुकने की क्या जरूरत थी और इस एक मनुष्य को इतना समय देने की क्या जरूरत थी। पर जैसे कि बाइबल कहती है, जितने दिल से उसको खोजते हैं उन सबों को वो प्रतिफल देता है, किसी को नहीं छोड़ता है। हम बड़ा इंसाफ करते हैं, ये शराबी है, ये पापी है, ये गलत है, ये बुरा है, इंसाफ हम करते हैं, हम बड़े न्यायाधीश बन जाते हैं। पर जो सच्चा न्यायाधीश आया था वो एक पापी मनुष्य के लिए रुका वहां पर और उसने ऊपर देखकर कहा, जक्कई झट से नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर आना है। जो बस प्रभु को देखना चाह रहा था प्रभु है कैसा, और इसीलिए वो छोटे बच्चे के समान जाके पेड़ के ऊपर बैठ गया था। प्रभु उसी पेड़ के नीचे जाके रुकता है और ऊपर देखकर उसे कहता है, जक्कई। आप मुझे बताइए, जब ही प्रभु ने जक्कई का नाम पुकारा उसे कितनी खुशी हुई रहेगी, कितनी खुशी। वो जानता भी नहीं होगा कि वो प्रभु मेरे नाम को जानता है। जब प्रभु के मुंह से निकला जक्कई, उसके दिल को कितना आनंद हुआ रहेगा, कितना आनंद। आप मुझे बताओ, समझो भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ गए और आपको आपका नाम लेकर पुकारा तो आपको क्या लगेगा, जैसे स्वर्ग प्राप्त हो गया। भारत के प्रधानमंत्री ने मेरे नाम को लेकर पुकारा, यानी क्या मिल गया बता नहीं सकते हैं। ये तो दुनिया का परमेश्वर मालिक, राजाओं का राजा बोल रहा है, जक्कई। जक्कई का दिल कितना खुशी से नाच रहा होगा कि मैंने इसको नहीं पहचाना था, मैंने पहली बार उसको देखा है और वो मेरे नाम को लेकर पुकार रहा है। जक्कई झट से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर आना है। वो तुरंत नीचे उतर आ गया, बड़ी खुशी से प्रभु को और सारी भीड़ को लेकर अपने घर चला गया। वो इतना खुश था, इतना खुश था, क्योंकि उसके दिल में ये इच्छा थी कि मैं प्रभु को बस देखना चाहता हूँ। और हुआ क्या, प्रभु ने खुद उसका नाम लेकर पुकारा और प्रभु उसके घर जा रहा है। भीड़ में इतने सारे लोग थे, किसी को प्रभु नहीं बोल रहा है कि आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। जक्कई को बताया, वो बड़े खुशी खुशी घर लेकर गया। इतने में लोगों का कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। यीशु पवित्र है, पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, और ये पापी मनुष्य के घर क्यों जा रहा है? ये तो चुंगी लेने वाला पापी मनुष्य है, इसके घर ये क्यों जा रहा है? इसके घर में क्यों खाना खा रहा है? यदि ये पवित्र है तो पापी मनुष्य के साथ खान पान क्यों कर रहा है? लोग कुड़कुड़ा रहे थे, प्रभु शांत था। जक्कई सुन रहा था, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही एक बदनाम व्यक्ति था।
लोगों को लूटकर इतना पैसा और इतनी संपत्ति इकट्ठा की थी कि वो पहले से एक बदनाम व्यक्ति था, और अभी प्रभु उसके घर आने के बाद लोगों का आपस में क्या कुड़कुड़ाना शुरू हो गया है, जक्कई सुन रहा था। और बाइबिल कहती है वो खड़ा होकर बोलने लगा, प्रभु जी देखो, मैंने जिनका अन्याय करके लिया है, जिनसे लूट कर लिया है, उनको मैं चौगुना फेर दे देता हूँ, और मेरी आधी संपत्ति मैं गरीबों को देता हूँ। जब जक्कई ने ये कहा, प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर का उद्धार हो गया है, आज इस घर का उद्धार हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वाक्य महत्वपूर्ण है हमारी और हमारे जीवन की ओर, हमारी आत्मा के ऊपर परमेश्वर की ओर से छाप लगाई जाना महत्वपूर्ण है। दुनिया क्या बोल रही है, ये क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम दुनिया की ओर देखते जाएंगे, हम अपने आप को दुनिया की नज़र में अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और दिल को अच्छा बनाना भूल जाएंगे। दुनिया किसको अच्छा समझती है? जो बाहर से अच्छे दिखते हैं उन्हें दुनिया अच्छा समझती है। यदि कोई गोरा दिखने वाला, गोरी दिखने वाले व्यक्ति है तो कितने सारे लोग उनको भी अच्छा समझते हैं। मुझे हमेशा इस बात पर हंसी आती है, कोई औरत हो या कोई आदमी हो, उनकी चमड़ी का कलर गोरा है तो आप उनको अच्छा कैसे समझते हैं? आप उस गोरे चमड़ी के पीछे उनका काला काम क्या रहेगा, क्या जानते हैं? अब गोरी चमड़ी को देखकर वाह कितना अच्छा है, वाह कितनी अच्छी है, गलत फहमी मत कर लेना। दुनिया बाहरी रूप देखती है, परमेश्वर दिल देखता है। लोग क्यों इतना सारा मेकअप करके अपने आप को सजाने की कोशिश करते हैं, क्यों अपनी बदसूरती को ढकने की कोशिश करते हैं? क्योंकि दुनिया बाहरी रूप देखती है। हर कोई अपने बाहरी गलत बातों को ढकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया बाहरी बात को देखती है और बाहरी बातों को देखकर इंसाफ करती है और बोलती है ये बुरा है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है, बाहरी बातों को देखकर। परमेश्वर बाहरी बातों को नहीं देखता है, वो दिल को देखता है। मैं उपवास करता हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ, मैं ये पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। जब वो बोल रहा था, परमेश्वर उसे बोल रहा होगा, मैं तेरे दिल को जानता हूँ। तेरा उपवास, तेरा दान धर्म, ये सारी बाहर की बातें हैं जो दुनिया देखती है, और दुनिया भी तुझे धर्मी समझती है, पर मैं तेरे अंदर के जीवन को जानता हूँ, तेरे दिल को जानता हूँ। परमेश्वर ने उस पर धर्मी की छाप नहीं लगाई, उसको धर्मी नहीं ठहराया गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल को सुंदर बनाने की कोशिश करो। आपका चमड़ी का कलर काला हो सकता है, सावला हो सकता है, पर आप परमेश्वर के लाडले व्यक्ति बन सकते हैं। यदि आपका दिल अच्छा है, यदि आपका दिल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, आप परमेश्वर की लाडली व्यक्ति बन सकते हैं। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, दाऊद जो इज़राइल का महान राजा होकर गया, उसके बारे में लिखा गया है कि जब परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता को वहाँ पे भेजा था राजा बनाने के लिए, दाऊद के बाप के बेटों को देखने के लिए, तब उसने कितने सारे भाई देखे, अच्छे अच्छे दिखने वाले। दाऊद तो सबसे छोटा था, उसके कितने सारे बड़े भाई थे जो दिखने में बहुत अच्छे थे, ऊंचे थे, गोरे थे, मजबूत थे, बहुत अच्छे दिखते थे, हर कोई सामने आता था। शमूएल अपने मन में सोचता था शायद यही राजा रहेगा, शायद परमेश्वर ने इसको ही चुना रहेगा। हर बार ऐसा ही होते गया, पर जब शमूएल अपने मन में सोचता था ये इतना अच्छा दिख रहा है तो शायद परमेश्वर ने इसको ही चुना रहेगा, परमेश्वर दिल में बात करता था, नहीं, तूने उसको पसंद किया, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं बाहरी रूप देखने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं दिल को देखने वाला परमेश्वर हूँ।
एक एक करके सात भाई निकल गए, एक को भी परमेश्वर ने पसंद नहीं किया। अंत में शमूएल ने दाऊद के बाप को पूछा, क्या तुम्हारा और कोई बेटा बचा है? उसने कहा, हाँ वो तो है छोटा बेटा, वो भेड़ों को चरा रहा है। एकदम साधारण काम करने वाला, साधारण दिखने वाला, वो भेड़ों को चराने का काम कर रहा है। उसने उसको नहीं बुलाया क्योंकि उसे लगा था कि उसको परमेश्वर कैसे राजा बनाएगा। पर शमूएल ने कहा, बुला उसे। सात बेटे उसके सामने लाए गए, सातों बार परमेश्वर कहता है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और आठवां दाऊद आ गया जो साधारण दिखता था, बिल्कुल साधारण था। जब भी वो आ गया, परमेश्वर की आत्मा ने शमूएल से कहा, इसे अभिषेक करा दे, मैंने इसको इज़राइल के ऊपर राजा बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है, दिल को देखने वाला परमेश्वर है। दाऊद इज़राइल का महान राजा होकर गया, उसे परमेश्वर ने अभिषेक किया इज़राइल के ऊपर राजा बनाने के लिए। और ये मरते दम तक परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा, मरते दम तक परमेश्वर के ऊपर दिल से प्रेम करते रहा। परमेश्वर दिल को परखने वाला परमेश्वर है। हम बाहरी बातें देखते हैं, लोगों का इंसाफ करते हैं, और हम अपने आप को भी बाहर से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें धर्मी कहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल को बदलो और इस कोशिश में रहो, इस प्रयास में रहो कि परमेश्वर हमारे ऊपर छाप लगाएगा कि हम धर्मी बन चुके हैं। उसने हमें ग्रहण किया है, उसने हमारा स्वीकार किया है। लोग क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, वो क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है। यदि वो बोल रहा है ये मेरा लाडला बेटा है, ये मेरी लाडली बेटी है, यदि वो बोल रहा है तो उतना हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो दूसरा नहीं, ये धर्मी ठहर कर अपने घर लौट गया। ये वो दिल में नम्र बन चुका था, पापी था वो, पर परमेश्वर के सामने आकर रोकर क्षमा मांगी परमेश्वर के पास। उसकी प्रार्थना बहुत बड़ी लंबी नहीं थी, एक वाक्य की प्रार्थना थी, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो ये नहीं बोल रहा था, मैंने कितने सारे लोगों की मदद की है, मैंने कितने सारे लोगों को खाना खिलाया है, मैंने कितने सारे लोगों को कपड़ा दिया है, मैंने क्या किया, ये किया, वो किया, वो किया, कुछ नहीं। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो जानता था परमेश्वर के सामने मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे सारे काम कुछ नहीं है, भले काम किए भी होंगे पर उस महान परमेश्वर के सामने मेरे सारे भले काम भी कुछ नहीं है। मैं पापी हूँ और मुझे परमेश्वर की दया की ज़रूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। यदि उसकी दया नहीं मिली, यदि उसका अनुग्रह नहीं हुआ तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल को बदलो और परमेश्वर की नज़र में अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करो। इसके लिए नम्र बन जाओ, परमेश्वर के सामने नम्र बन जाओ, दिल में सच्चा परिवर्तन लाओ और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना शुरू करो। दिल को बदलो। तुम्हारा कपड़ा कितना भारी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कपड़ों को देखकर लोग तुम्हारा इंसाफ करेंगे। यदि अच्छा कपड़ा है लोग कहेंगे भला मनुष्य है, यदि आपका कपड़ा पुराना है, उसका कलर निकल गया है और एकदम पुराना दिख रहा है, लोग कहेंगे ये ऐसी ही व्यक्ति है। आपके कपड़े को देखकर लोग आपका इंसाफ करेंगे, आपके चेहरे की और खूबसूरती को देखकर लोग आपका इंसाफ करेंगे, आपका पैसा देखकर लोग आपका इंसाफ करेंगे, आपका दुनिया का मान सम्मान देखकर लोग आपका इंसाफ करेंगे, आपकी नौकरी कितनी भारी है, आपका काम धंधा कितना अच्छा है, ये देखकर लोग आपका इंसाफ करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर ने हमारा इंसाफ करना चाहिए और परमेश्वर ने हमारे ऊपर छाप लगानी चाहिए कि उसने हमें ग्रहण किया है,
उसने हमारे पापों को मिटा दिया है और ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद वो हमें स्वर्ग में लेने जा रहा है, क्योंकि उसने बेटे के रूप में, बेटी के रूप में हमें ग्रहण कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नज़र में अपने आप को अच्छा बनाते जाओ, परमेश्वर की नज़र में खूबसूरत बनते जाओ, अपने दिल को अच्छा बनाते जाओ, ताकि परमेश्वर का प्रेम आपको जिंदगी भर मिलते जाएगा, उसका अनुग्रह, उसकी दया आपको मिलती जाएगी, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा समय आए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको खुशी से भर देगा, शांति से भर देगा, और सबसे बड़ी बात, वो हमें अनंत जीवन में प्रवेश देगा, जहाँ पर हम हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से तोड़ जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।